राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं नकली डीएपी और असली डीएपी के बारे में। मात्र आप 3 से 4 मिनट की हमारी वीडियो होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको 3 से लेकर 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि आप बड़े आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि आप जो डीएपी का उपयोग अपनी फसल के अंदर कर रहे हैं वो असली है या फिर नकली है। तो डीएपी को किस तरीके पहचान सकते हैं, पूरी जानकारी मैं इसमें आपको देने वाला हूं, क्योंकि इस समय पर किसान भाइयों सभी तरह के कीटनाशकों के अंदर, सभी तरह के खादों के अंदर नकली जो है खाद बहुत तेजी के साथ बन रहा है। जैसे कि वर्टेको आ रही है, फटेरा आ रही है, तो ये ओरिजिनल तो मार्केट में कम आती हैं, उससे ज़्यादा नकली मार्केट में आ जाती हैं और किसान भाइयों को इससे बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। किसान भाई बहुत खर्चा करके बड़ी मेहनत के साथ इन कीटनाशकों को ला रहे हैं, इन खादों को ला रहे हैं और खेत में लाने के बाद डालते हैं और उन्हें इसका रिजल्ट नहीं मिलता। उसके बाद वह कहते हैं कि हमें इस खाद ने रिजल्ट नहीं दिया, ये खाद बेकार है। तो खाद कोई भी बेकार नहीं है, कीटनाशक कोई भी बेकार नहीं है, लेकिन किसान भाई जब वो ओरिजिनल मिलेगा तभी वो कार्य करेगा और अगर वो नकली आपको मिलता है तो कार्य भी नहीं करेगा। तो आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि डीएपी हमारा असली है या फिर नकली है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्य करना है कि आपको एक स्टोव ले लेना है, जो आपका गैस चूल्हा होता है, गैस चूल्हे के ऊपर किसान भाइयों आपको जो है अपना तवा रख लेना है, जिसके ऊपर हम रोटियां सेकते हैं या रोटियां बनाते हैं। इसके ऊपर किसान भाइयों आपको लगभग 8 से लेकर 10 दाने जो हमारा डीएपी खाद है उसके 8 से लेकर 10 दाने उस चूल्हे के ऊपर रख दीजिए, उस जो हमने तवा रखा है तवे के ऊपर रख दीजिए और धीमी आंच पर जो है आप अपने गैस स्टोव को चला दीजिए। जब आप इसे धीमी आंच पर किसान भाइयों चलाते हैं तो धीरे धीरे लगभग 5 से लेकर 10 सेकंड के अंदर ही मात्र जो डीएपी के दाने होंगे ये किसान भाइयों फूलने शुरू हो जाएंगे, ये मोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे आप देखेंगे कि यदि ये फूल रहे हैं तो इसका मतलब है डीएपी जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। और यदि आपके पास लोकल जो हमारा डीएपी होता है, लोकल डीएपी आपके पास है, नकली डीएपी आपके पास है, तो वो किसान भैया चूल्हे पर रखने के बाद बिल्कुल भी फूलेगा नहीं, वो जो है तुरंत ही पिचक जाएगा, पटक जाएगा। तो ये किसान भैया इसकी पहली पहचान रहती है। दूसरी पहचान के बारे में आपको बता दूं कि यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरी पहचान के लिए आप जो है डीएपी खाद के कुछ दाने लगभग 10 से लेकर 12 दानों को हाथ पर आप रख सकते हैं और हाथ पर रखने के बाद जो तंबाकू वाला हमारा चूना होता है उस चूने को आप इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने से पहले एक बार जो है आप उसे सूंघ करके देखिए डीएपी खाद को कि उसमें से कैसी स्मेल आ रही है। और जब आप उसके अंदर चूना लगाएंगे, चूना लगाने के बाद जिस तरीके से मतलब तंबाकू को इस तरीके से रगड़ा जाता है उसी तरीके से किसान भाइयों आपको इसे भी रगड़ना है। और रगड़ने के बाद जब आप इसे नाक के पास में लाएंगे तो आप इसकी जो गंध है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत ही बुरी तरीके से किसान भाइयों इसके अंदर जो बदबू आनी शुरू हो जाती है, ये गंधहीन हो जाता है। तो ये भी किसान भाइयों इसका दूसरा नंबर एक का एक शानदार फार्मूला है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं। और यदि आप नकली डीएपी के साथ ऐसा करेंगे तो उसके अंदर गंध बिल्कुल भी नहीं आती है। पॉइंट नंबर 3, तीसरी तरीका ऐसा क्या है कि हम इसे पता लगा सकें कि ये डीएपी असली है या फिर नकली है। जो नकली डीएपी किसान भाई होगा उसे यदि आप अपने दोनों नाखूनों के बीच ला करके उसे दबाएंगे तो वो बहुत आसानी के साथ टूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर रेत का मिश्रण रहता है। जबकि जो हमारा किसान भाई ओरिजिनल डीएपी है इसे यदि आप अपने नाखूनों के बीच ला करके दबाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, बिल्कुल ही साबुत दाने इसके रहते हैं। तो ये 3 तरीके किसान भाई बड़े आसानी के साथ आप पता लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फिर नकली है।